हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संजय सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाहूंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि क्या कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम में उत्तराखंड की जीके आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। जैसा कि आपको बताया कि इससे पहले जब भी ये एग्जाम हुआ तो उसको स्टेट लेवल पर कंडक्ट करवाया गया। जैसे लास्ट टाइम का भी जो एग्जाम था उसे पंतनगर यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था, लेकिन क्योंकि इस बार ये एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करवा रही है, जो कि सभी नेशनलाइज बैंक के रिक्रूटमेंट के एग्जाम कंडक्ट करवा दिए, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो उत्तराखंड के एग्जाम क्वेश्चंस इस पेपर में देगी या नहीं देगी। लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है, क्योंकि ये स्टेट लेवल का एग्जाम है, स्टेट लेवल के बैंक के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो कुछ क्वेश्चन तो जरूर स्टेट के होने ही चाहिए। इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिशन टफ होता है तो आपको कोई भी चांस लेना नहीं चाहिए, और जितना हो सके आपको ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के बारे में अपने पास नॉलेज रखनी चाहिए। ठीक है, एक और बात क्लियर करना चाहूंगा कि मेरे उत्तराखंड जीके पार्ट वन के वीडियो में गलती से मैंने फ्लावर की जगह ट्री वर्ड यूज कर लिया था, तो मैं उस चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड जो है वो बुरांस है। मैंने गलती से उसे स्टेट फ्लावर बोल दिया था। स्टेट फ्लावर जो है वो भ्रम कमल है। ठीक है, तो स्टेट फ्लावर भ्रम कमल और स्टेट ट्री बुरांस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ के बारे में। तो जो चीफ ऑफ आर्मी है वो है जनरल बिपिन रावत। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत। चीफ ऑफ एयरफोर्स, चीफ ऑफ एयरफोर्स है बीरेंद्र सिंह धनोआ। बीरेंद्र सिंह धनोआ, DHANOA। ठीक है, बीरेंद्र सिंह धनोआ। चीफ ऑफ नेवी स्टाफ सुनील लांबा। चीफ ऑफ नेवी स्टाफ है सुनील लांबा। ठीक है, तो हमारे जो ये जो तीनों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, उनके चीफ क्या है? आर्मी का चीफ बिपिन रावत, एयरफोर्स के चीफ है बीरेंद्र सिंह धनोआ, और नेवी के चीफ है सुनील लांबा। अगले हमारे पास है सीईसी। सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है ना, मुख्य निर्वाचन आयोग, जैसे भी लोकसभा, राज्यसभा, जो लोकसभा के लिए जो भी इलेक्शन होते हैं या स्टेट लेवल पे जो भी एग्जाम्पल ये इलेक्शन होते हैं, तो उस पूरी प्रणाली को जो नियंत्रण करता है तो उसे बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक्चुअली में क्या कि जैसे कि जो ये निर्वाचन आयोग जो होता है इसमें तीन सदस्य होते हैं। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं आपके इस बारे में कि तीन मेंबर का पैनल होता है, उन्हीं तीन में से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं सीनियोरिटी के बेसिस पे। तो देखिए, एक बात ध्यान रखना है, ऐसा ये जो तीन इलेक्शन कमिश्नर है, ऐसा एक्चुअल में इनका तीनों का रैंक सेम है। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो उनकी कुछ ज्यादा चलती है। अगर किसी मामले में डिस्प्यूट होता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक तरफ हो जाता है लेकिन बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर एक तरफ हो जाते हैं, तो उन दो इलेक्शन कमिश्नर की बात जो होती है वो ज्यादा वेटेज रखती है बजाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि केवल एक सीनियोरिटी बेसिस पे तीन इलेक्शन कमिश्नर में से किसी एक को चीफ बना दिया जाता है, अदरवाइज पावर्स तीनों की इक्वल होती है। तो एट प्रेजेंट जो हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुनील अरोड़ा। ठीक है, सुनील अरोड़ा। इनके अलावा जो हमारे पास एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर है, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है हमारे पास, वो एक तो है अशोक लवासा। ठीक है, एक हमारे पास है अशोक लवासा और दूसरे है सुशील चंद। ठीक है, तो देखिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुनील अरोड़ा। उनके अलावा जो दो अलग से इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है अशोक लवासा और सुशील चंद। क्लियर? ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अगला आता है हमारे पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को पब्लिक का पर्स, पब्लिक मनी का एक सिक्योरिटी गार्ड भी बोलते हैं उसे। ठीक है ना, गार्ड ऑफ पब्लिक पर्स, क्योंकि वो जो भी सरकार के जो भी खर्चा कर रही है, सरकार किस तरीके से कहां कहां पे खर्चा हो रहा है, उसका जो भी ऑडिट हो रहा है, कुछ गलत हुआ उस पर या कुछ सही हुआ, मतलब जो रिपोर्ट निकलती है फाइनली कि कुछ भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस सबके बारे में जो रिपोर्ट बनाते हैं वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाते हैं। ठीक है, तो इसको गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोलते हैं इसीलिए। तो इस टाइम पे जो हमारे पास जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो है राजीव महरिषि। ठीक है, राजीव महरिषि।
अगला सवाल है हमारे पास सीवीसी। सीवीसी मतलब चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सॉरी मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो जो सीवीसी है इस टाइम पे हमारे पास वो है केवी चौधरी, केवी चौधरी। ठीक है, सीवीसी, सीवीसी मतलब चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त। अगला है हमारे पास गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के गवर्नर। तो जो आरबीआई के गवर्नर है वो है शशिकांत दास। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है डेप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। ठीक है, आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं लेकिन उनके साथ साथ उनको असिस्ट करने के लिए चार डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप पे जो हमारे पास चार डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के, उनमें से एक तो है एन एस विश्वनाथन। ठीक है, जो एक डेप्यूटी गवर्नर है वो है एन एस विश्वनाथन। जो दूसरे हैं उनका नाम है विरल आचार्य, विरल आचार्य। ठीक है, एक है हमारे पास महेश जैन, और जो चौथे हैं वो है बीपी कानूनगो। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि एक आरबीआई गवर्नर के साथ साथ चार डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। तो इस टाइम पे जो हमारे पास चार डेप्यूटी गवर्नर हैं, एक है एनएस विश्वनाथन, दूसरे हैं विरल आचार्य, तीसरे हैं बीपी कानूनगो और एक है महेश जैन। ठीक है, तो ये चार एट प्रेजेंट डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। अगला हम आते हैं एनएसए। एनएसए मीन्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो जो इस टाइम पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है अजीत डोभाल। ठीक है ना, अब आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल्स में रिपोर्टर्स जो है कभी इन्हें अजीत डोभाल बोलते हैं, कभी डोभाल बोलते हैं, तो डोभाल, अजीत डोभाल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एट प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे पास है वो है रंजन गोगोई। ठीक है ना, रंजन गोगोई। ठीक है, अगले हमारे पास आते हैं डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो इस टाइम पे जो हमारे पास डायरेक्टर ऑफ सीबीआई है वो है ऋषि कुमार शुक्ला। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। अगला हमारे पास है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे पास इस टाइम पे है के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट हमारी होती है, जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है केंद्र सरकार, उनके मामलों की जो पैरवी सुप्रीम कोर्ट पे करते हैं वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसलिए इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री भी बोला जाता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री होते हैं वैसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री। ठीक है ना, तो इस टाइम पे जो ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है हमारे पास वो है तुषार मेहता। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। अगला हमारे पास आता है जैसे कि एमडी ऑफ आईएमएफ। तो इस टाइम पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ है, आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इस टाइम पे जो ये हमारे पास है ये क्रिस्टिन लेगार्ड, क्रिस्टिन लेगार्ड। ठीक है, इंटर एमडी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कौन है? क्रिस्टिन लेगार्ड। अगला है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट इस टाइम पे है वो है डेविड मालपास, डेविड मालपास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है ना, जो सिर्फ एशिया के डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस टाइम पे जो है वो है ताकेहिको नकाओ। प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी कौन है? ताकेहिको नकाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास चेयरमैन ऑफ इसरो, आईएसआरओ,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टाइम पे जो चेयरमैन ऑफ इसरो हैं वो हैं कैलासा वलीवु सिवान, ठीक है ना, कैलासा वलीवु सिवान चेयरमैन ऑफ इसरो, कैलासा वलीवु सिवान, ठीक है। नेक्स्ट है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग देखो, नीति आयोग जैसे कि जब ये 2014 में ये बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, मोदी गवर्नमेंट, तो उस टाइम पे मोदी गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को खत्म करके एक नया जो पंचवर्षीय योजना होती थी, जैसे पहले प्लानिंग कमीशन के तहत होती थी, तो उन्होंने वो उसका सिस्टम खत्म करके एक नया आयोग बना दिया, नीति आयोग, ठीक है ना। तो जैसे प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग बनाया गया, तो जैसे प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता था वो प्राइम मिनिस्टर होता था, तो सेम वही है कि जो नीति आयोग का जो हेड होगा, चेयरमैन होगा, वो हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो वो हमेशा ही उस टाइम पे जो इनकमबेंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो ही होंगे। जैसे इस टाइम पे जो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है वो कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। तो आपको बस वाइस चेयरमैन याद रखने की जरूरत होती है कि वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है। तो इस टाइम पे जो वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है वो है राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लेवल मतलब कि जैसे कि सेक्रेटरीज जो होते हैं, आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, जैसे आप किसी जॉब में लगते हो तो आप प्रमोट होके ऊपर 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 तक जाते हो, तो सबसे ज्यादा जो सबसे ऊपर जो ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट हो जाती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी हो जाते हैं। जैसे स्टेट लेवल पे जो हमारे पास स्टेट की मिनिस्ट्री है हमारे पास कैबिनेट, तो एक कैबिनेट सेक्रेटरी हो जाता है। तो वैसे एक सेंटर लेवल पे जो टॉप मोस्ट सीनियर रैंक आईएएस ऑफिसर है वो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है हमारे पास प्रदीप, इस टाइम पे जो है वो है प्रदीप कुमार सिन्हा, ठीक है, प्रदीप कुमार सिन्हा। वैसे होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो हमारे पास है वो है साजिद, ठीक है, होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है वो है साजिद जाबिद, साजिद जाबिद, जे ए वी आई डी, ठीक है। अब ऐसे फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है वो है सुभाष चंद्र गर्ग, सुभाष चंद्र गर्ग, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है सुभाष चंद्र गर्ग। अगले हमारे पास डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इस टाइम पे जो है वो है संजय मित्रा, संजय मित्रा, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है संजय मित्रा। और फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो हमारे पास इस टाइम पे है वो है विजय केशव गोखले, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है विजय केशव गोखले, ठीक है। तो इस वीडियो में तो हम इतनी ही बात करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, अपने जो आपके जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ठीक है। तो जल्दी आपसे एक नए वीडियो में मिलता हूं। अगली वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्रीवियस पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो जल्दी अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद।